हेलो दोस्तों, आज मैं आर्थर के शोरूम गया था, तो वहाँ जाके आज मैंने पहली टेस्ट ड्राइव ली इलेक्ट्रिक स्कूटर आर्थर की, जो कि आर्थर मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन कहा जाए रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 1,71,000 से के आसपास वो पड़ रहा है, और उस पर आपको सब्सिडी तकरीबन 45,000 के आसपास की सब्सिडी मिल जाती है, जो कि उसको फेयर पैकेज बनाती है, लेकिन उसके बाद सब्सिडी के बाद भी आपको वो 1,38,000 का आर्थर पड़ता है। स्कूटी का कहा जाए स्कूटी बहुत अच्छी है चलने में, एज़ कम्पेयर टू आईक्यूब और हीरो की स्कूटीज के कंपेयर में काफ़ी अच्छी है। काफ़ी जब स्पीड पकड़ना शुरू करती है तो काफ़ी अच्छा एक्सीलेटर रिस्पॉन्स है। आईक्यूब के अंदर ये होता है कि आप तो जब स्कूटी चलाते हैं तो हल्का सा उसका रिस्पांस, आप थॉर्टल के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि मोटर स्टार्ट है या नहीं है, लेकिन आर्थर में ऐसा कुछ नहीं है। आर्थर में मैंने जैसे ही एक्सेलरेट किया काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसने दिया, और काफ़ी चलने में काफ़ी स्मूथ है, और कंपनी जो दावा कर रही है कि बैटरी की लाइफ भी अच्छी है, जो बैटरी के साथ हीटिंग इशू आते हैं वो चीज़ नहीं है, लिथियम आयन बैटरी है, लाइफ सर्कल जो बताया गया है कंपनी के द्वारा 2,000 रिचार्ज चार्जेस की है लगभग कैपेसिटी, 2,000 यानी कि तकरीबन 6 साल के आसपास, 5 से 6 साल बैटरी चल सकती है, लेकिन आपको जैसे पता है लिथियम आयन धीरे 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 अपनी एनर्जी लूज करती रहती है, एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, तो वो चीज़ आगे जाके पता चलेगी। अभी तो शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ कहना मुश्किल है कि कैसा रिस्पॉन्स रहेगा बैटरीज का, क्योंकि वो लॉन्ग रन में ही पता चल सकता है कि कंपनी जो क्लेम कर रही है वो सही है या नहीं है। बाकी ओवरऑल बॉडी वाइज बहुत अच्छा स्कूटर है, इलेक्ट्रिक है सबसे बड़ी बात। आप जैसे कि इस टाइम हालात देख रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कम है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा ले रही है, और जिसकी वजह से कुछ शहरों में तो 112 114 के तक रेट पहुंच गया है। जो लोग लोकली कम्यूट करते हैं तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर, तो उनके लिए आर्थर एक अच्छा स्कूटर हो सकता है, कॉलेज जाने वालों के लिए कहा जा सकता है कि अच्छा स्कूटर है, अच्छा पैकेज है, लेकिन अभी कंपनी को थोड़ा सा वर्क प्राइस के ऊपर करने की ज़रूरत है। जो सेंसर्स की ड्यूरेबिलिटी है वो भी अभी कुछ नहीं पता कि आगे चल के जो इसके सेंसर्स हैं, कुछ जैसे बाइक्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं सेंसर्स की, जो हाई एंड बाइक्स होती हैं वैसे सेंसर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सेंसर्स की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो हर मैकेनिक सही नहीं कर सकता। तो अभी देखते हैं कि आगे चल के आर्थर की कैसी स्टोरी रहती है, कैसे उसकी आगे ग्रोथ रहती है। स्कूटर ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ये चीज़ लगती है कि अच्छा है, लॉन्ग ड्यूरेशन में तभी पता चलेगा जब कंपनी को थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने जो पुराने उसके मॉडल्स थे उसके अंदर इश्यू था हीटिंग, और उसकी वजह से कंपनी ने कुछ स्कूटर जो लॉन्च करे थे चेन्नई वगैरह में, क्योंकि तमिलनाडु की तरफ जो है काफ़ी गर्मी वगैरह रहती है, तो वहाँ पे इशू हीटिंग्स आए थे बैटरी के अंदर, जो कंपनी के सेल्स पर्सन ने मुझे बताया। ये ओवरऑल मेरा रिव्यू था जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली, तो टेस्ट ड्राइव की आप फुटेज देखिए, काफ़ी अच्छा एक्सीलरेट 80 तक इसने करा और काफ़ी स्मूथ राइड थी। आप वीडियो देखिए।